भी मैं हूँ आपके साथ ज्योति दत्ता। 14 मार्च 2019 को मुंबई में दर्दनाक हादसा हुआ। शाम 6:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के पास एक फुट ओवर ब्रिज का आधा हिस्सा गिर गया। ये फुट ओवर ब्रिज सोसाइटी रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ था। ब्रिज आजाद मैदान को CST रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। हादसे में अभी तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, 30 लोग घायल है। 2008 के आतंकवादी हमले के कसाब्स ने शिवाजी टर्मिनल जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से लोग इसे कसाब ब्रिज के नाम से भी बुलाते हैं। पुल गिरने के बाद रात भर टर्मिनल के पास हलचल रही, पुलिस जमी रही, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, आधे गिरे हिस्से के मलबे को उठाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस ब्रिज की जांच की गई थी, इसे सही पाया गया था, फिर भी ऐसा हादसा हुआ, अब एक बार फिर जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा मिला है। मुख्यमंत्री ने मरने वालों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। घायलों को मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा। मुंबई में ब्रिज गिरने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है और लोग ज्यादा, सरकार जांच कराती है, लेकिन ये किसी पहेली से कम नहीं कि जांच में पास हो जाने के बावजूद भी कोई ब्रिज कैसे गिर सकता है। 29 सितंबर 2017 को भी एक बड़ा हादसा हुआ था। एलिफ्टन रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 23 लोग मारे गए थे, इसमें से 2 गुना घायल हुए थे। पूरे देश में इसकी चर्चा भी हुई थी। इस हादसे के बाद 3 जुलाई 2018 को अंधेरी में फुट ओवर ब्रिज गिरा। इसमें कोई मौत तो नहीं हुई, 6 लोग घायल जरूर हुए। सरकार ने सबक फिर भी नहीं लिया। अफसरों का कहना है कि ये पुल 35 साल पुराना था। 2010 व 11 में इसकी मरम्मत की गई थी, टाइल्स बदली गई, पेंटिंग की गई। उम्मीद है सरकार इस हादसे से सबक जरूर लेगी। वीडियो देखकर ये आसानी से पता चलता है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। फिलहाल गिरे हुए पुल के बचे हुए हिस्से को भी गिरा दिया गया है, साथ ही पुल के नीचे से जाने वाला रास्ता भी डायवर्ट किया गया है। मुंबई पुलिस ने BMC और रेलवे अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। अगर आपकी कोई भी राय है इस खबर को लेकर तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। आगे की अपडेट के लिए हमारा वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.arprakash.com, और अब हमारा ऐप भी आ गया है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।